रिजवान बागवान चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीनं घेण्यात आलेल्या वक्तृत्व स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा सोशल हायस्कूल येथे पार पडला. सोलापूर सोशल असोसिएशन उर्दू प्रायमरी शाळेत कैलासवासी रिजवान बागवान चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने शहीद टिपू सुलतान वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये पारितोषिक मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचा बक्षीस वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी जमियते उलमा ए हिंदचे अध्यक्ष मौलाना इब्राहिम कासमी, अर्जेंटिना येथील बायलन मुजम्मिल, मुनाब चौधरी, अल्ताफ लिंबूवाले, शफीक रजभरे, हजरत साहब वागदरीकर, महबूब साहब वागदरीकर, फैज बागवान, समीर सय्यद, मुख्याध्यापक आसिफ इकबाल आदींची उपस्थिती होती. 50 विद्यार्थ्यांचा ट्रस्टच्या वतीने ट्रॉफी, पुष्पगुच्छ, फळं आणि रोख रक्कम देऊन गौरव करण्यात आला. या कार्यक्रमाबाबत रिजवान बागवान ट्रस्टचे संस्थापक अध्यक्ष मतीन बागवान यांनी माहिती दिली. आज जो है मरहूम रिजवान बागवान चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से सोशल उर्दू हाईस्कूल प्राइमरी इन बच्चों का शहीद टिपू सुल्तान की याद में कंपटीशन का प्रोग्राम रखा गया था. उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम दिए गए. उसके अंदर हमारे प्रोग्राम की जो सदर थे जमीयत उलमा हिंद के, हमारे सदर मौलाना इब्राहिम साहब और हाजी मुनाब चौधरी, फैज अकबर भाई बागवान, महबूब वागदुरीकर, हजरत साहब वागदुरीकर और इसकी पूरी जो नियोजन जो कह रहे थे हमारे हेडमास्टर साहब आसिफ इकबाल सर और मैं हाजी मतीन बागवान जो मरहूम रिजवान बागवान चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन हो, हम सभी लोगों ने मिलकर इन बच्चों की हिम्मत अफजाई करने के तहत हमने इस प्रोग्राम को आयोजित किया था. अल्लाह की ज़ात से अल्लाह ने इस चीज़ को कबूल किया है और सभी लोगों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, जय जिजाऊ, जय शुरा.